सुप्रीम कोर्ट ने भाई पटाखे बैन किए हैं, लाइटिंग तो कर ही सकते हैं, तो थोड़ी बहुत सजावट करते हैं आज हम। तो फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा है ऊपर का सीन, नीचे भी लगवाया है भाई, तो अच्छा तो लग ही रहा है। वैसे हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो भाई, आज मैंने ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा कुछ पर्सनल इश्यू है, उसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, किसी भी चीज़ से मन नहीं लग रहा था। और बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो अभी अभी रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ में है, तो उसके बारे में बात करना चाहता था क्योंकि वो दिवाली पर है। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली मैंने बहुत सारे पोस्ट देखे जिसमें ऐसा बोलते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट में पटाखे बैन कर दिए हैं। तो ये बात कुछ हद तक सही है कि उन्होंने बहुत सारे बोला है कि सारे स्टेट में पॉल्यूशन कम हो, उस पर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, स्पेशली दिवाली की वजह से। अब देखिए, दो तरीके की चीज़ें हैं इसमें। पहली तो ये है कि भाई, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो होता है दिवाली से नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। तो जब पराली जलाती है ना, पंजाब वालों जब पराली जलाते हैं तो सारा धुआं दिल्ली में आता है और दिल्ली की हवा बहुत ख़राब हो जाती है भाई। 700 AQI है उनका, वो बहुत ही सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर शायद दिल्ली है अभी, और टॉप 5 में मुंबई भी है। सो अगर इन शहर दो शहरों को छोड़ दे भारत में, तो वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है भाई, इतना नहीं है। और इसका ये रीज़न सिर्फ कि भाई दो स्टेट की वजह से, या ही मैं तो बोलूँगा कि सिर्फ दिल्ली की वजह से आप सारे स्टेट में पटाखे बैन कर दो, ये जायज़ नहीं है। तो फिर थोड़ा बहुत ये सब बातें चली न्यूज़ पे, इंटरनेट पे, तो उसके बाद थोड़ा सा पढ़ा और देखा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पटाखे आप फोड़ सकते हो लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए, रात को 8 से 10। भाई दिवाली तो रात का ही त्यौहार है, 8 से 10 तो भाई लोगों को खाने पीने का और उसमें का टाइम होता है। अब उसमें वो पटाखे फोड़ेंगे कि भाई अपना वो काम करेंगे, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है। और दूसरा कि उन्होंने बोला है कि बेरियम सॉल्ट वाले जो पटाखे होते हैं, ज़्यादा नॉइज़ वाले या सल्फर वाले, वो नहीं फोड़ सकते हैं। तो भाई अब कॉमन पीपल जो है, जो आम आदमी पटाखे लेने जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें बैरियम सॉल्ट है या नहीं, वो क्या सब कुछ चेक करेगा? और अगर ये बात है, आपको पता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो आपको जो भी फैक्ट्रीज है पटाखों की, उनको रेड मारना चाहिए भाई, उनको ये नोटिस देनी चाहिए कि भाई आपके पटाखों में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी फैक्ट्री पर ताला लग जाएगा। तो ये तो आपको फैक्ट्रीज को बताना चाहिए था बहुत टाइम पहले, क्योंकि भाई ये जो प्रोसेस है ना पटाखे बनाने का, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। वो लोग अभी तो पटाखे बनाना बंद कर देते हैं अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो वो पटाखे बनाते ही नहीं है। ये 3 महीने तो वो बेचती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पटाखे ये 3 महीनों में बिकते हैं, है ना, क्योंकि दिवाली भी है, फिर न्यू ईयर भी आएगा। तो अगर आप ये टाइम पे दिवाली के 10 दिन पहले आप लोगों को बोलते हो कि भाई ये चीज़ वाले, बेरियम सॉल्ट वाले या कुछ भी, ये नहीं होना चाहिए पटाखों में, आप ध्यान रखो, पब्लिक कैसे पता करेगी यार? पब्लिक, सारे लोगों ने थोड़ी साइंस ले रखा है। तो ये तो फैक्ट्रीज वालों की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है सरकार की, कि भाई आप बोले उनको, फैक्ट्रीज वालों को, कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो अभी जनता भी बेचारी कंफ्यूज हो जाती है, पटाखे फोड़ने हैं नहीं फोड़ने हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कितने बजे फोड़ना है, हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो भाई दिल्ली वालों की गलती है या पंजाब वालों की, जो भी गलती है, वो लोग आपस में सॉर्ट कर नहीं रहे हैं, और उसका उसकी वजह से हम सारे दूसरे स्टेट वाले जो भी है वो सफ़र कर रहे हैं, है ना। फेस्टिवल भी सोच समझ के गिन गिन के एंजॉय करना पड़ रहा है, यहाँ भाई इतना ही फोड़ना है, इतना ही करना है, इतना ही खाना है, कैसे करेंगे यार? साल में एक बार फेस्टिवल आता है, उसमें भी हम सरकार को पूछ पूछ के, सुप्रीम कोर्ट को पूछ पूछ के एंजॉय करेंगे तो कैसे होगा? तो इसका कोई सॉल्यूशन पता नहीं आ ही नहीं रहा है भाई, सालों से यही प्रॉब्लम है। पंजाब वाले पराली जलाते हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है और दिवाली के टाइम पे, और फिर वो लोग ब्लेम करते हैं कि भाई दिवाली की वजह से पॉल्यूशन होता है, बट इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो या तो सरकार इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन लाए, सरकार बातें तो बड़ी बड़ी करती है भाई दिल्ली की, ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने प्लान बना लिया है, फिर बाद में बोलते हैं 6 महीने और दे दो, 1 साल और दे दो, और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता इसमें, तब वो कुछ नहीं बोलता है। तो भाई ये गलत है कि किसी एक स्टेट की वजह से, किसी एक स्टेट की क्या बोलते हैं भाई, मैनेजमेंट की फेलियर की वजह से बाकी सारे स्टेट के लोग फेस्टिवल बनाना बंद कर दे, ये सही नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं बाकी भाई
जितने पढ़े लिखे हैं पता नहीं चलेगा, एक एक बॉम्ब ऐसे देख के करेंगे नहीं कि भी इसमें ये चीज़ है कि नहीं है। तो इस बार तो भाई जैसी है वैसे ही दिवाली मनाएंगे भाई, देख लो बाकी सब लोग। उसके बाद और एक फैसला सुना दिया भाई मैंने, जब पढ़ा था उसके बारे में मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, बट मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें था कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले की अवमानना नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते। मतलब गलत क्या बोलना है, आप ओपिनियन ही रख रहे हैं, पब्लिक तो ओपिनियन ही रख सकती है ना, गलत क्या बोलेगी। क्योंकि उसको ये फैसला समझ में आया, उसको ये फैसला समझ में नहीं आया, उसको ये लॉजिकल लगा, उसको ये इलॉजिकल लगा, कुछ तो बात हो उसमें। तो ये वीडियो बनाने से पहले या किधर भी सोशल मीडिया पे कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कमेंट करने से पहले एक बार सोच लेना, जो शब्द है आपके वो थोड़े से अच्छे यूज़ कर लेना, वरना आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। तो लेट्स सी, बाकी गाँव में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, जितने भी गाँव में मनाते हैं, गाँव में तो क्या बहुत छोटे लोग होते हैं और बहुत ही कम पटाखे फूटते हैं, इतने नहीं फूटते जितने शहरों में, शहरों में पब्लिक ज़्यादा होती है तो दिखता भी ज़्यादा है। तो लेट्स सी, बाकी आप सबकी वो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, दिवाली भी एक तो शुरू हो ही चुका है, और अच्छे से पटाखे फोड़ना, ध्यान रख के, बच्चों का खास ध्यान रखना, अपने आसपास जानवरों है तो जानवरों का भी ध्यान रखना आसपास उनके, तो उनसे दूर जाके पटाखे फोड़ो आप। बाकी तो भाई बहुत एंजॉय करो, खुशियाँ मनाओ, त्यौहार के दिन है, चक दे फट्टे। और इस ब्लॉग को आज यहीं समाप्त करते हैं भाई, नए ब्लॉग में कल मिलेंगे रेगुलर से, और बाकी आप सबको हैप्पी दिवाली, हर हर महादेव।